बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की अब बात करते हैं जरा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद त्यागा आतिशी जी नई मुख्यमंत्री बन गई केजरीवाल जी जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए और यही बताया गया था कि वो फुल टाइम दिल्ली के इलेक्शन को डेडिकेट करना चाहते हैं उससे पहले अभी हरियाणा में इलेक्शन है वहां उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहां वो कैंपेन पर पूरी तरीके से अपनी एनर्जी और ध्यान लगाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली को वो छोड़ भी नहीं सकते दिल्ली के लिए ही वो सब कुछ कर रहे हैं तो अब एक तस्वीर आज की जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा आ, आतिशी जी निरीक्षण करने के लिए निकली और उनके साथ केजरीवाल जी भी हैं और मनीष सिसोदिया जी भी हैं वहाँ जो लोकल अफसर वगैरह हैं या उनकी पार्टी के विधायक होंगे वो जो हैं उनको वहाँ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं अब मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी निरीक्षण के निकले तो पहले तो इसी पर विपक्ष वालों ने चुटकी ली कि भई अब ये काम तो आतिशी जी को कर लेने दीजिए अब जहाँ केजरीवाल जी हो ये जाहिर है कि इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात भी नहीं है भाई सबका ध्यान तो केजरीवाल जी पर ही होगा और केजरीवाल जी ही वहाँ पर बॉस की तरीके से थे या हेड की तरीके से थे वो उसी तरीके से वो भी व्यवहार व्यवहार कर रहे थे और उनको उसी तरीके से बाकी लोग जो हैं वो भी ट्रीट कर रहे थे तो इसी से जो आरोप बीजेपी ने खासतौर पर लगाया था कि एक कठपुतली सरकार है वो उस उसको एक किस्म से तस्वीर थोड़ी हवा देने दे वाली है कि सब कुछ होगा केजरीवाल जी की के मंजूरी से फाइलें केजरीवाल जी साइन नहीं कर सकते लेकिन क्या देखेंगे भी सचिवालय वो जा नहीं सकते लेकिन मंत्रालय सारे चलाएंगे वो भी यानी उनकी मर्जी के बगैर कुछ होगा नहीं तो आज आतिशी जी के हाथ में क्या है हालांकि सारे सारे लगभग बड़े प्रभार वो आतिशी जी के पास ही हैं अभी लेकिन दिल्ली सरकार की असलियत जो है वो क्या है वो क्या इस तस्वीर से कुछ जाहिर होती है तो इस पर जरा सा एक कॉमेंट हर्षवर्धन जी आप माफ कीजिएगा अवधेश जी तस्वीर ये, दिखाते नहीं अरे नहीं ये जो ये जो तस्वीर है ये भारतीय राजनीति का एक प्रहसन है ये इस प्रकार का प्रहसन भारतीय राजनीति में पहले देखा नहीं गया है बहुत सारे लोग रहे जीताराम माजी को बनाया लेकिन हमने कभी नीतीश कुमार को ऐसे जाते हुए नहीं देखा न किसी को देखा है तो भारतीय आंदोलन को प्रहसन बनाने वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति को प्रहसन बनाने वाले लोग और पार्टी उनकी एक तस्वीर है और ये को, ये ये बताती है कि एक व्यक्ति जो सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ हुआ किस सीमा तक जा सकता है किस सीमा तक उतर सकता है कम से कम अरविंद केजरीवाल को इतना तो ध्यान रखना चाहिए देखिए मैंने देखा है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह होते थे मनमोहन सिंह कोई चीज अगर वहां मसाल जलाना है चार चार उसमें है तो जब मनमोहन सिंह इधर बढ़ते थे तो सोनिया गांधी कितना कम से कम पीछे हटके मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ाती थी मैंने कई कार्यक्रमों में रहा हूं और मैंने इतनी गरिमा देखी है तो यह इसका पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है और यह दिल्ली के लोग तय करें देश की राजनीति तो के साथ ना ना साथ ना साथ साथ सार्वजनिक जब कार्यक्रमों में ना जाएं जी नहीं नहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में जरूर जाएं लेकिन अगर संविधान के तहत शपथ दिलवाया गया है तो संविधान की मर्यादा का भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का और जिन हजारों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जान देकर इस देश की स्वतंत्रता पाई है लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है कम से कम उनके सम्मान में तो गरिमा दिखाना चाहिए यह मेरा कहना है जाए जरूर लेकिन कहीं भी हो मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाएं इतने इतने गरिमा भी अगर नहीं है और मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है अब जब वो खड़ा रखकर सरकार चला रही हैं कह रही हैं कुर्सी पर नहीं बैठ रही केजरीवाल ये ये तो ये, ये तो खड़ा में राम जी ने कभी नहीं कहा था कि मैं आके राजा बनूंगा रामचंद जी को बनवास जाने का आदेश भी किसी ने नहीं दिया था कोई कोर्ट उस समय नहीं था स्वेच्छा से गए थे राजपाट त्याग किया था ये तो भारत का त्याग था कि मेरा बड़ा भाई जा रहा है मैं कैसे राज कर सकता हूं तो उन्होंने वो बैठे ही नहीं गद्दी पर वो एक, उससे आप तुलना कर रहे हैं यहां तो कोर्ट का आदेश है यहां तो किसी को शपथ दिलाई जा रही है वो उससे तुलना करना ही आज के समय रामचरित मानस और रामायण की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है कि ये सवाल ना पहले जिम्मेवारी केजरीवाल जी की थी कि जैसे ही उसने कहा एक पत्रकार सम्मेलन बुलाना जाना चाहिए था कि ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है आती से इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं जब तक कि चुनाव नहीं होता मैं नहीं बनता हूं पूरी पूरे प्राधिकार के साथ ऑथोरिटी के साथ करना चाहिए मुझे भी अगर किसी ने आदेश लेना होगा सरकार के किसी काम से तो मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा ये होना चाहिए सरकार उनके वोट से बनी है उनको जो वोट पड़ा केजरीवाल जी को उसी पर बनी हुई है और वो दिल्ली को छोड़े भी छोड़ भी कैसे इससे और समर्थन बढ़ेगा नहीं पता नहीं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ अवधेश जी आमतौर पर ऐसी गलती नहीं करते हैं लेकिन आज बड़ी गंभीर गड़बड़ कर रहे हैं जिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के पार्टी ने गंभीर गड़बड़ मैंने कहा गड़बड़ी का <laughs> गंभीर जिस पार्टी के पूरे के पूरे जिसको कहते हैं मूल आधार होता है जो किसी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगर कल को लड़ाई हो गई कि आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो गई तो जिसको रख कर निर्णय होगा जैसे शिवसेना वाला निर्णय हुआ एनसीपी वाला निर्णय हुआ तो कल को अगर आम आदमी पार्टी टूटी तो उसका निर्णय होगा तो उसमें आप जानते एक लिखा हुआ था कि तीन साल के लिए संयोजक चुना जाएगा अरविंद जी ने क्या करा दिया जब तक चाहे तब तक वो संयोजक रह सकते हैं ऐसे व्यक्ति से अवधेश जी उम्मीद कर रहे हैं कि वो कहेंगे कि नाना मत कीजिए जो व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक बिना किसी आंदोलन बिना किसी वजह के अपनी पत्नी को नंबर दो बना देता है हर आरकी में पार्टी में सुनीता केजरीवाल जी को जो व्यक्ति जेल में रहता है तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी से बैठकर प्रसारण करती है भाषण का जो व्यक्ति तय करता है कि आतिशी बैठेंगी तो इतना माहौल बना के रख दिया कि हम फिर से लौट के आ रहे हैं आप कहते हैं कि हम आज पद त्याग रहे हैं उस व्यक्ति से कैसे है? उदेश जी उम्मीद कर रहे हैं मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल सत्ता लोलुपता का कोई चरम हो तो वहां बैठे हुए हैं वो व्यक्ति जो फ्लैट की बात करता था सरकारी बंगले के लिए राघव चड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमें अदालत न जाना पड़े केंद्र सरकार हमें संयोजक के नाते अरविंद जी को बंगला दे दे बंगला प्रेमी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं करेगा वो छोड़ ही नहीं सकते उनको डर लग रहा है कि आतिशी के अंदर का मुख्यमंत्री जाग गया तो हम दोबारा कहा दर्शक देख रहे हैं कहा मैंने ज्यादा इसीलिए कहा कि ये विचार आतिशी जी के मन में आएगा मुझे वो बहुत डाउट लगता है किसी के मन में कोई कहता हैं जीतन राम मांझी जी के मन में आना चाहिए था क्या एक नाथ शिंदे जो दरवाजे पर खड़े रहते थे मातोश्री के उनके आना चाहिए था क्या और मैं आपको याद दिला दू जब मुंबई के होटल्स में दोनों होटल में मुंह अंधेरे अजीत पवार ने शपथ ली थी तो शरद पवार एक वहां के बहुत बड़े साथ सितारा होटल में मुंबई में बैठे और कहे यहां गिनती कराएंगे तो बस कौन लगवा रहा था जानते हैं बस लगवा रहे थे एक शिंदे जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ऐसे त, ऐसे आकांक्षा होती जो बस लगवा रहे थे कि शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार बनाए वो एक नाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं और आज पूछते हैं कि मैं तो काम करता हूं उद्धव ठाकरे करते क्या है। तो आकांक्षा किसी के और आतिशी अच्छा आप कहेंगे वो आई है तो आतिशी भी तो दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ के लौटी है आप कहेंगे कि वो एक्टिविस्ट है तो आतिशी भी तो एक्टिविस्ट है वो नेता है और नेता को चुनाव जीतना होता है केवल और उनको ये दिखाना है दिल्ली में कि मैं दिल्ली के मैं दिल्ली के लोगों के सुख दुख में खड़ा हूँ साथ तुम्हारी सड़क टूटी है तो मैं भी सड़क पर खड़ा हूँ वो उनको दिखा रहे हैं और अपने कह रहे हैं मुख्यमंत्री को साथ साथ लेकर के चल रहा हूँ करो काम ये कर रहे हैं आप इसको कुछ भी कह लीजिए आपने जो कहा नहीं मतलब हम क्या कहेंगे तो दिल्ली की जनता देख रही होगी ऐसा तमाशा लोकतंत्र का ऐसे संविधान को ठेंगे पर रखना ये तो शायद किसी ने नहीं किया होगा सर तमाशा है या देखिए हो सकता है यहाँ पर भी संगठन जो है सरकार से बड़ा हो <laughs> <laughs> लेकिन मुद्दा यह है कि देखिए बंगला और ये सब बातें तो बहुत नैतिक बात है ये संवैधानिक व्यवस्था की बात है कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी तरह से बल्कि उनको बताना चाहिए कि जिसको उन्होंने बनाया है नॉमिनेट किया है मुख्यमंत्री बनाया है आतिशी जी वो योग्य है और वो अपने हिसाब से देखेंगी और कोई फाइल देखनी है तो वो तो घर पर देख ही सकते हैं और सड़कें भी देखनी है तो बिना आतिशी जी के जाके भी देख सकते हैं फाइलों में से नहीं मैं कह रहा हूँ यदि फाइलों पर कोई बात करनी है कि भाई सरकार के साथ फाइल पर कोई बात नहीं बात तो कर ही सकते भाई हमको ये काम करवाना चाहिए पे साइन तो अतिशी जी करेंगी लेकिन और सड़कें भी देखनी है तो वो जाकर अलग से देख सकते हैं दोनों लोग भी देख सकते हैं अब तो दोनों ही पूर्व हैं मनीष सिसोदिया जी भी और अरविंद केजरीवाल जी भी लेकिन ये मसला थोड़ा सा अलग है ये लोकतंत्र के लिए मैं मजाक ही समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के साथ दोनों लोग जाकर ये बता रहे हो कि असली तो मुख्यमंत्री मैं ही हूँ इसलिए मैंने उस समय आपको टोक दिया था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है एक मुख्यमंत्री और एक असली मुख्यमंत्री और बीजेपी को या किसी को आरोप अच्छा लगाने की भी जरूरत लगभग अच्छा नहीं, लेकिन लेकिन लग ये लगाने भी नहीं है बीजेपी को कि वो इससे सहमत नहीं हूँ गलत तो उनको देखना है और जनता देखेगी लेकिन आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बना दी गई है और इसकी भी जरूरत नहीं अगली बार जब चुनाव होगा तब बनेंगे तो बन जाएंगे इसमें कौन रोक रहा ये कहना कि मैं अगली बार जब आएगी सरकार उनको दरअसल सर ये बताना है ना कि भाई मैंने पग मैंने देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ये सब लोग जानते सब हैं कि उन्होंने उनको बताना है मैंने कुर्सी छोड़ दी क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगा आ, लेकिन करूंगा काम तुम्हारा नहीं ठीक है वो ठीक है लेकिन एक चीज और मैं जोड़ दूं ये बात बार-बार होती है हमारे अरविंद जी के चक्कर में नहीं ये हमको ये खड़ाऊ राज को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक नेगेटिव कनोटेशन में आ गया है जबकि खड़ाऊ राज भरत को राम को लेकर वो दूसरे सेंस में है हमने उसको इतना नेगेटिव कनोटेशन में पहुंचा दिया है कि अब तो भरत पर भी शक होने लग जाएगा कुछ दिनों में अच्छा देखिए कृषि जी का इतना अपमान नहीं कर केजरीवाल जी जो बोले मैं आपको सुना देता हूं उन्होंने कहा दिल्ली में काम ना हो पाए इसीलिए मुझे गिरफ्तार किया गया था लेकिन अब सभी रुके हुए काम दोबारा शुरू हो रहे हैं और सड़क निर्माण से हमने इसकी शुरुआत की मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। इनके नेता से मैं तोड़ मुझे गिरफ्तार कि करके उनको क्या फायदा हुआ तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो गई दिल्ली तो ठप हो ही गई मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना, करना था क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं वो चिंता ना करें जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे अब केजरीवाल जी का आरोप अपनी जगह पर वो राजनीतिक आरोप है कि गिरफ्तारी क्यों की गई थी लेकिन उन्होंने कहा अब मैं आ गया हूं अब दिल्ली के सारे रुके हुए काम शुरू होंगे अभी आप जो कह रहे थे जाते जाते बात बयान पर कि भाई सरकार तो थी ना नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार तो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की चली रही थी काम फिर इसमें काम क्यों रुक गए थे मुझे ये समझ नहीं आ रहा बल्कि इस पर तो उनको खुद को सवाल पूछना चाहिए

वो जेल में डाल देते और सबकी सरकार गिरा देते जी का उदाहरण कह रहे थे हाँ। अब लेकिन आगे जरा सोचिए आतिशी जी आज मुख्यमंत्री हैं उसी वक्त बन गई होती कम से कम काम तो होता रहता तो अरविंद जी आपने दिल्ली का बुरा क्यों किया दिल्ली को आपने ठप क्यों कर दिया जैसे आज आतिशी जी घूम रही तब भी घूम सकती थी ये हो सकता था ना लेकिन आपने इतना दिल्ली के साथ बेईमानी की इतना धोखाधड़ी की इतना काम रोका और फिर आप आके तमाशा कर रहे हैं आप ही की बात से दिल्ली की जनता को समझ में आ जाएगा कि भैया ठप अरविंद केजरीवाल ने किया है पॉलिटिकल लड़ाई आप पॉलिटिकली लड़िए दिल्ली से लड़ना बंद कर दीजिए यह जरूरी है सर एक अजीब सी लड़ाई बिहार में चल रही है नहीं दिल्ली वाली एक तो मैं देखिए हाँ। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के राज में फैक्ट है कि दिल्ली कोलेप्स कर चुकी है अगली कोई भी सरकार आएगी केजरीवाल जी के राज्य मतलब जब जब ये जब ये से और दिल्ली में सर्वे करिए सड़क अगर 100 गज तक भी बिना टूटी हुई दिख जाए तो आप उसकी तस्वीर जरूर भेज दीजिए इसका तो ईमेल होगा एक कोई सड़क में कह रहा हूं वो गड्ढे तो भरवा रहे हैं और दूसरा नहीं नहीं पूरे इतने सालों में 2015 से अभी किसी भी सड़क के जो डिवाइडर है दोनों तरफ जो जहां उस पर कोई पेंट नहीं हुआ नहीं, है तो किसी सड़क पर कहीं कोई अलकतरा और सीमेंट से जो है उसको भरा नहीं गया है जितने आपके फुट ओवर ब्रिज हैं सब टूट रहे हैं जंग लग गए हैं सब सब खतरनाक हालत में पड़ चुके हैं दिल्ली कोलैप्स कर चुकी है, है मैं कर रहा हूं। ये तो फैसला और ये ये जनता करे लेकिन ये फैक्ट है कि आप गाड़ी से चल रहे हैं दिल्ली में गाड़ी चलाने का कॉस्ट बढ़ गया है लोगों के टायर बर्बाद हो रहे हैं गाड़ी खराब हो रहे हैं है, है। अपराध हुआ जाति के इलाके के अंदर उनके गांव में उनके घर जला दिए गए इसका आरोप जो लगा वो भी एक अनुसूचित जाति के लोगों को पूरी लगा था फिर इस पर जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री एनडीए में केंद्र में मंत्री हैं इन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल बरगलाया इनको यादव कम्युनिटी के लोगों ने था इसके पीछे यादव समुदाय के लोग थे और उन्होंने एक दूसरी जाति जाति के के लोगों को, जाती के लोगों को को दलित कर अग्निकांड करा दिया सारी उस वक्त भी बयानबाजी हुई थी इस पर तब भी रिएक्शन आया था आरजेडी की तरफ से लालू यादव की पार्टी की तरफ से अब जीतन राम मांझी ने एक नई बात कह दी है अब यहां सवाल उठ गया जीतन राम मांझी की जाति क्या और लालू यादव की जाति क्या इसलिए अब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी इसमें जीतन राम मांझी ने

तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या मांझी मुसहर हैं क्या तो अब क्या बोले हैं ये जीतन राम मांझी जी, इन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कहा कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक अब यहां से कोट सुनिएगा घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेड़ी जी आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं हम नहीं लालू यादव की जाति पर पहली बार सवाल उठ गया लालू यादव या, यादव हैं कि नहीं है वो कह रहे लालू पाल गरेडी जी आप बताइए फिर आगे लिखते हैं हम गर्व से कहते हैं हम मुसहर हैं लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाएं कि हम गरेडी हैं क्या खेले सर देखिए पहले तो ये बता देता हूं मैं कि ये मुसहर जाति हमारे यहाँ के जो रहे हैं हम लोग बचपन से देखते रहे जब हमारे यहाँ गेहूँ धान कटता था तब मुसहर लोग आते थे उसमें जो चूहे होते थे वो चूहे बिल बना के रहते थे उनका काम वही था कि उसके बाद वो खोदते थे और चूहे के बिल में जो अनाज काट के रखा होता था वो उसको निकालते थे उसके बाद चूहे पकड़ के ले जाते थे वो उनका भोजन होता था ये 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 मुसहर जाति इसलिए माझी भी है सदा भी है ऋषिदेव भी उनको उनको कहा जाता है तो वो गरीब जाति थी हालांकि मैं देश की जाति के हिसाब से एक बताता हूं कि यह भारत एकमात्र देश रहा है जिसने एक एक काम के विशेषज्ञ बनाने के लिए एक जाति पैदा कर दी चूहों ने इस दुनिया में अनेक सभ्यताओं को पतन कर दिया धरती के नीचे से काट कर अनेक नगर सभ्यताएं ध्वस्त कर दी और उसके लिए आप कहानी पढ़ते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कभी बिल्ली पाला गया कभी कबाई भारत ने चूहों के विशेषज्ञ एक जाति पैदा की थी उनका भी समाज में स्थान था तो वो कैसे गिरा होगा वो बात की बात कह रहे हैं तो इसलिए जो बता रहे हैं लालू जी के परिवार के बारे में इन्होंने एक टिप्पणी की है कि वो तो उनके जो परिवार रहे हैं, वो भेड़ वगैरह चराते थे आज वो स्वयं को जादव कहते हैं जरा पांच साल जब वो गया में पिंडदान करने आते हैं तो अपने क्या नाम लेते हैं जरा बोलिए क्या पुराने लोग जादव थे उनके अब ये वहां एक विवाद चल रहा है लंबे समय से क्योंकि हमारे इन्होंने लिखा है कि हमारी जाति उन्होंने उकीट दिया है कि हम मुसार हैं कि नहीं है तभी तो हम अपने को माजिक कहते हैं आप बताइए कि आपकी क्या जाती है अलग अलग जाति देखिए गरेड़ी यादव अलग जाती है गरेडिया, गरेडिया का मतलब ये हुआ कि जो भेड़ पालने वाले हमारे यहाँ भेड़ तो उतना नहीं थे तो बकरी पालने वाली जाति होती थी उसके दूध दूहते थे उससे घी निकालते थे वो जाति को वहां कहा जाता था तो वो बिहार में एक विवाद है कि यादवों के बहुत सारे पूर्वज ऐसे रहे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं कि हमारे यहां जाति की उत्पत्ति अनेक तरीकों से हुई है कोई भी किसी जाति का है वो छोटा बड़ा हमारे यहां नहीं माना गया था यह हो गया लेकिन चूंकि बिहार में चल रहा है और जिस घटना की बात है उसकी सच्चाई यही है कि वहां के लोग नवादा के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आग लगाने वाले में पकड़े गए हैं नाम पासवान जाति का आया है लेकिन उसके पीछे की ताकत जो है वहां के बाहुबली है वो विशिष्ट जात के लोग हैं उन्हीं लोगों ने उसको वार्ड मेंबर में जिताया था वो उस क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा करते हैं और ऐसी एक्ट से बचने के लिए ऐसे लोगों का वह उपयोग कर रहे हैं ये क्युलेम है और वहां तो वो फैक्ट है उसके बारे में जो माधी जी ने बोला है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है आगे बढ़ेंगे आप देखिए जाति रालू यादव की जाति पर सवाल उठेगा कभी किसने तो सोचा था जी शादी कर वो ये फिर आपने और वो ये ये लिए वो यादव है इसलिए यादव हो गए चलिए ठीक है जो जाति की ही राजनीति करते आए उनके लिए यादव यादव में एक से एक सब पढ़े लिखे लोग प्रशासक अच्छे लोग हुए हैं जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है